नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो सबसे पहले स्टॉक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि मुझे आज वर्क पे था मैं और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो अब बात करने वाले हैं, सबसे पहला स्टॉक जो आता है वो आता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ये है 127 का और अगले दिन जो कैंडल बनी है इसका जो टॉप है वो है 157 का। तो आप देख सकते हैं कि दो दिन में 30 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है, 30 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है। अगले दिन हॉल्ट करा है, इनसाइड कैंडल बनी है, हॉल्ट करा है और फिर आज इसने इस पर्टिकुलर जो कैंडल थी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं, कल एक मूवमेंट अच्छी आ सकती है और एक बुलिश कैंडल बना सकता है। तो प्रोबेबली इस तरीके का एक सिनेरियो मिला है। क्या होता है कि दो दिन में एक बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है, एक ज्यादा मूव आ जाए, दो कैंडल बन जाए या तीन कैंडल बन जाए, तो उसके बाद ये क्या करता है, थोड़ा सा पॉज ले लेता है, ठीक है, थोड़ा सा ये पॉज ले लेता है, ये इनसाइड कैंडल बना देता है और फिर उसके बाद जैसी अगली कोई कैंडल इस पर्टिकुलर के ऊपर बंद होती है हम लोग अपना बाय इनिशिएट कर सकते हैं और अगले दिन एक अच्छी मूवमेंट आती है। तो यहीं पर ये ऐसा हुआ है, हम लोग बाय इनिशिएट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे कल कर सकते हैं। आज भी हम लोगों ने ट्रेड लिया था, आज भी हम लोग थोड़े से प्रॉफिट पे रहे थे इस पे। नेक्स्ट स्टॉक आता है आयशा मोटर्स या, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, इधर देख सकते हो जैसे कि आप कि ये एक पर्टिकुलर मैंने हाइस को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, क्लोज करा, अगले दिन आज ये हॉल्ट करा है। अब आप देख सकते हो सिंपलर यहां से मूवमेंट आई है, 2000 लेवल से मूवमेंट आई है, तीन दिन के अंदर ये 2200 तक पहुंच चुका है, उसके बाद दो दिन हॉल्ट कर रहा है, इसके ऊपर कल निकलता है तो एक ब्रेकआउट आ सकता है। वैसे भी 2200 का एक लेवल है तो अच्छे से ऊपर जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से इसने स्टार्ट करा अराउंड 120 से, ये अराउंड 130 तक गया, ठीक है, 10 रुपीज की मूवमेंट दी है, स्ट्रांग मूवमेंट आई, उसके बाद एक हॉल्ट करा और अब इसके ऊपर जाके क्लोज कर चुका है, 132 था ये, 133 पे आ गया, क्लोज कर चुका है। तो यहां से भी एक कल एक बुलिश कैंडल ये बना सकता है, ठीक है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, एक स्ट्रांग अपमूव आई है, दो दिन स्ट्रांग अपमूव आई है तो हॉल्ट कर रहा है और जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा हम बाय बना सकते हैं और एक स्ट्रांग मूव दोबारा आती है, ठीक है, तो कल एक दोबारा स्ट्रांग मूव आ सकती है। तो सिमिलर मैंने आपको तीन तरीके से वही बताया। अब आते हैं हम लोग पीवीआर पे, पीवीआर को देखते हैं। हम देखिए सारे स्टॉक्स मैंने बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट करे हैं, ये लेवल है 1040 का और ये लेवल है 1240 का, तो अराउंड 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है दो कैंडल्स पे, एक हॉल्ट करा और आज भी इसने हॉल्ट करा है। अब ब्रेकआउट कल आ सकता है, मतलब कल एक स्ट्रांग मूवमेंट यहाँ तक आ सकती है, अभी 1213 पे ट्रेड कर रहा है बट 1240 तक ये आराम से कल जा सकता है, हो सकता है कि ओपन होते ही चले जाए, तो जिस तरीके से होगा आप ट्रेड कर सकते हैं और इसके ऊपर कल ये निकलता है तो एक बुलिश मूवमेंट दोबारा कंटिन्यू हो सकती है, तो इस पर भी हम लोग ट्रेड बना के चल सकते हैं। लास्ट स्टॉक आता है गोदरेज कंज्यूमर। अब इसके में मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये पर्टिकुलर इसके लिए रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया जब ब्रेक करा, यहां पर इसने थोड़ा सा हॉल्ट करा फिर यहां सपोर्ट ले रहा है, दोबारा ऊपर गया, तो अब ये ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, और हम हमेशा देखते थे तो विक क्लोज करती थी ऊपर, बट आज बॉडी क्लोज करी है, 720 के ऊपर इसने क्लोज करा है आज, तो यहां पर एक स्ट्रांग मूवमेंट आ सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इस लेवल से 660 से ये यहां तक गया तीन दिन में, हॉल्ट करा और आज इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, तो कल एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। तो कल मैंने आपको वीडियोस में क्या बताया था, डबल बॉटम के बारे में, ठीक है, और मैंने आज आप लोगों को क्या बताया, एक स्ट्रांग अपमूव आती है
तो एक हॉल्ट करता और जैसे इसके ऊपर निकले आप बाय इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ हर दिन नया सीखने को मिलेगा और ये बहुत सारे स्टॉक्स में आपको आराम से मिल जाएगा। इस पर आपको कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनानी, ना आपको कुछ बनाना है, तो जाके चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज जो भी लोगों ने मुझे कल बताए थे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे डबल बॉटम बना है, वो बना है, मैं आज उनकी रिप्लाई करूंगा। कल आप लोगों के रिप्लाईज होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरीके से कौन से स्टॉक्स पे एक स्ट्रांग मूव के बाद अब हॉल्ट करा है और उसके बाद एक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के कल रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, या तो आप देख सकते हो यहां से ये जो लेवल है 10,780 का लेवल, वहां से तीन दिन में या चार दिन में यहां तक आ चुका है 11,200 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया रैली दे चुका है, एक तीन कंटिन्यूस मूवमेंट के बाद इसने एक दिन हॉल्ट करा, आज हॉल्ट करा। देखिए आपको आप देख रहे थे कि मार्केट कितना नीचे गिर रही थी, बट रिकवर कर गई थी आखिरी में, और मार्केट इस लेवल को सस्टेन करने में बहुत कोशिश कर रही थी, खासकर निफ्टी। तो अब यहां से एक ब्रेकआउट आ सकता है निफ्टी पे, प्रोबेबली कल तक आ सकता है या परसों तक आ सकता है, तो इसको भी आप वॉच करके चल सकते हैं, ठीक है। जब मैंने निफ्टी की स्टडी करी तो मैंने सोचा इसी तरीके से फाइंड आउट करे जाए स्टॉक्स भी, तो आप लोगों के लिए मैं फाइंड आउट करके लाया हूं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी पे भी आप देखिएगा इस लेवल से दो कैंडल बनी, स्ट्रांग मूवमेंट आई, हॉल्ट करा, हॉल्ट करने के बाद इसने दोबारा ही बहुत नीचे तक गया था, बट क्लोजिंग इसने यहीं पर ही कर दी, जिस लेवल पे बंद हुआ था उसके आसपास ही क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता 21,400 के नीचे, तो मैं कहता कि भाई इस पे कल हम लोग सेल का ट्रेड ले सकते हैं या फिर ट्रेड लेंगे नहीं, बट इसने 21,400 के ऊपर क्लोज करा है, तो हम कम क्वांटिटी पे कल बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 21,700 तक या 21,750 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है। तो उस पर भी आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करने के लिए तो मैं कह सकता हूँ, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, ठीक है। हर वीडियो पे आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, और मेरा डिस्कॉर्ड चैनल बन चुका है, प्राइसिंग भी डिसाइड हो चुकी है, नई नई चीज़ें भी मैं लेकर आ रहा हूँ, जो जो मैं सोच रहा था वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है गाइस। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा कल तक वो तैयार हो जाएगा, कोशिश करूंगा तो मैं कल वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और सारा कुछ आपको बता दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा ज्वाइन करने के लिए, या फिर मैं 2 अक्टूबर को पर्सनली वीडियो बना दूंगा, वो बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, और अगर आप लोग फायर्स में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अकाउंट मेरा 20 दिन से अकाउंट ओपन है और मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैंने वीडियो भी आप लोगों के सामने अपलोड करी है। तो अगर आप लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है अकाउंट ओपनिंग का, और वो लोग आप लोगों को वॉच लिस्ट बना के देते हैं। जी गाइस, आप लोगों को 10-12 वॉच लिस्ट बना के देते हैं, जिसके अंदर सारे स्टॉक्स होते हैं निफ्टी इंडेक्स के, निफ्टी 50, निफ्टी 100 के स्टॉक्स होते हैं, फ्यूचर्स तक के स्टॉक्स होते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के, एक्सपायरीज के होते हैं, बैंक निफ्टी आईटी के हो गए, सब कुछ वॉच लिस्ट वो आप लोगों को पर्सनली प्रोवाइड करवाते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो पहली बार अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।